खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता की जागरूकता से बड़ी नहीं है कोई देशभक्ति। लोगों से कहा, सरकार से पूछे कहाँ है रोजगार, क्यों नहीं महिला सुरक्षित। प्रियंका बोली, ये देश किसी एक का नहीं बल्कि आम जनता और किसानों का है। बोली, वो नफरत फैलाएंगे, आपको प्यार से लड़ना है। राहुल ने रैली में फिर लगवाए चौकीदार चोर है के नारे, राफेल का मुद्दा उठाया। बोले, मोदी ने रोजगार दिया नहीं, वायुसेना के करोड़ों भी छीने। मायावती ने यूपी में कांग्रेस से गठबंधन के लिए मना किया। प्रियंका के आने के बाद खबर थी कि अखिलेश कांग्रेस से बात कर रहे हैं। मोदी को हराने के लिए गुजरात में कांग्रेस का मंथन। 58 साल में पहली बार अहमदाबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, प्रियंका भी शामिल हुई। सोनिया का मोदी पर निशाना, कहा राष्ट्रीय हितों से समझौता करके राजनीति हो रही है, जनता की जगह मोदी खुद को पीड़ित बताते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, मोदी सरकार याद रखे, सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कांग्रेस के साथ आए हार्दिक पटेल गुजरात की बैठक में पहुंचे, कांग्रेस को पाटीदार वोटरों से फायदे की उम्मीद। बापू की याद के बहाने मोदी बोले, कांग्रेस का हाल जानकर गांधी खत्म करना चाहते ये पार्टी। अहमद पटेल बोले, मोदी के गुरुजनों ने ही गांधी का विरोध किया था। यूपी में उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, अगर मेरा टिकट कटा तो पार्टी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा टिकट खतरे में, गठबंधन में गिरिराज वाली नवादा सीट पासवान की पार्टी को मिली है, गिरिराज नाराज। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस बोले, 18 मार्च या उससे पहले बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा बोले, कल दिल्ली में महागठबंधन नेताओं की बैठक होगी, सीट फॉर्मूले पर होगी चर्चा। आरएलएसपी के बागी नागमणि का आरोप, उपेंद्र कुशवाहा पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं। कुशवाहा बोले, नीतीश जी सीबीआई जांच करा ले। नागमणि के साथ आरएलएसपी के महासचिव प्रदीप मिश्रा भी बागी, नागमणि बोले, जल्द ज्वाइन करेंगे जेडीयू। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे केजरीवाल, कल बीजेपी के 2014 वाले मैनिफेस्टो की कॉपियां जलाएंगे। ममता बैनर्जी बोली, हमारी पार्टी टीएमसी 40% महिलाओं को टिकट देगी, 6 सांसदों के टिकट काटे, 6 नए चेहरे उम्मीदवारों के साथ कल बैठक। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे बहुजन वंचित आघाड़ी पार्टी के नेता प्रकाश आम्बेडकर, 15 मार्च को उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेसी राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय ने बीजेपी का हाथ थामा, कहा पिता से नहीं मिला समर्थन।